यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति
घर
शांति।
मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो। मीठे बच्चे, बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। बच्चे, खुशबूदार फूल किसे कहेंगे? जो आत्मिक स्थिति में है वो है खुशबूदार फूल। बच्चे, ध्यान में रखना हमेशा, जब जब आत्मिक स्थिति में हो खुशबूदार फूल हो। जब जब बच्चे स्थिति नहीं है तो तुम उस स्वरूप में, उस स्वरूप से नहीं हो। बच्चों, बाप को आपके लिए साकार में आना पड़ता है, वरना बाप की ओरिजिनल स्टेट अव्यक्त है, सदा रह सकता है। अव्यक्त आवाज की भी बात नहीं बच्चे, वो बस शांत बैठेगा। बैठ सकते हो 8 घंटा, 8 घंटा वो कुछ नहीं बोलेगा। बैठ सकते हो कितने दिन? और अगर वो 16 घंटे बैठे तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, नींद आएगी, बाथरूम जाना पड़ेगा। 24 घंटा बैठे तो उस अवस्था में बच्चे विचार करो, तुम्हारे लिए बाप साकार में आवाज में आता है। क्योंकि तुम अव्यक्त न, अव्यक्त में नहीं आ पा रहे हो, इसलिए बाप साकार में आता है। तुम अपने आप को देखो, अव्यक्त स्थिति कब तक होगी? साकार आवाज में ज्ञान कब तक सुनोगे? दूसरा ज्ञान है अव्यक्त आवाज में, और तीसरा ज्ञान है साइलेंस में, और चौथी स्टेट है नो ज्ञान, कोई ज्ञान नहीं, बस है चौथी स्टेट। तुम कौन सी स्टेट में हो विचार करो। जब तक साकार सृष्टि तुम्हारे धागे बंधे हुए हैं किसी भी रूप से बच्चे, तब तक तुम पहली स्टेट में हो संसार के। जिस समय तुम सब भूल जाओगे तो दूसरी स्टेट आएगी, जो अध्यात्म की पहली स्टेट है साकार। बच्चे, अपने को विचार दो कि तुम कौन से अवस्था में हो। तुम अपने से विचार करो, जब तक तुम्हारी आंखें साकार सृष्टि में खोई हुई हैं तुम संसारी हो, तुम्हारे कान
इस साकार सृष्टि में खोए हुए हैं, संसारी हूँ। तुम्हारी वाणी साकार सृष्टि की चर्चा करती है, संसारी हूँ। साकार सृष्टि की सुगंध तुम्हें प्रभावित करती है, तुम संसारी हो। अव्यक्त कौन जिसकी आंखें रूहानियत में है, कान रूहानियत में है, वाणी रूहानियत में है और सुगंध भी रूहानी है। हर कर्मेंद्रिय रूहानियत में चलती है, वो है अव्यक्त। फिर साइलेंस कौन इन सबसे परे, आंखों में भी मैं आत्मा, कानों में भी मैं आत्मा, वाणी में भी मैं आत्मा, सुगंध भी मैं आत्मा, सारी कर्मेंद्रियां भी मैं आत्मा। यह है साइलेंस। और लास्ट स्टेज नो ज्ञान, साइलेंस भी नहीं, साइलेंस से परे मैं और मेरा बाबा, बस लास्ट स्टेज और कुछ नहीं। तुम कहाँ हो, देखो अपने आप को, तुम कहाँ पर हो। बच्चों, असलियत में इस यूनिवर्सिटी में उन्हीं को अलाउ करना चाहिए जो संसार से परे हो चुके हैं, उन्हें साकार वाणी समझ में आएगी। आज महाशिवरात्रि है, आज से ड्रामानुसार दोनों वाणियां चलेंगी, पर अव्यक्त समर्पित यहाँ के बच्चों के लिए और साकार संसार वालों के लिए रोज दो चलेंगे। साकार मिलन संसार वालों के लिए और अव्यक्त मिलन समर्पित वालों के लिए। और जब अव्यक्त से परे जाएंगे तो बाप साइलेंस में बिठाएगा। इसलिए यहां संसार से परे वाले ही आए जिनका संसार छूट चुका है, वही साकार वाणी समझ पाएंगे। और जिन्होंने साकार वाणी समझी वही अव्यक्त वाणी को ग्रहण कर पाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, ब्रह्मा द्वारा पहले साकार वाणी चली, मम्मा द्वारा भी चली, फिर बच्चे अव्यक्त वाणी चली। इन दो वाणियों के बाद साइलेंस है। इसलिए बच्चों रोज चलेगी साकार भी और अव्यक्त भी। साकार मिलन मुरली रोज की सुबह, अव्यक्त मिलन शाम को, पर लाइव नहीं होगा, सिर्फ समर्पित बच्चों के लिए ही, क्योंकि वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे अव्यक्त मिलन संसार में है। बच्चे कायदा है ज्ञान का, कायदे अनुसार चलना पड़ेगा। और अव्यक्त से जो निकलेंगे उन्हें बाप साइलेंस में बिठाएगा। बच्चों देखो अपने आप को,
तुम कौन से स्टेट में हो, तुम्हारे जीवन इतनी समस्याओं से भरी है कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन भट्टी में आओगे फिर भी तुम्हारा परिवार चिंता करता रहता है तुम्हारी। इतने संसारी हो, कभी किसी के घर से फोन आएगा, मैसेज आएगा, 3 ही तो दिन हैं, 5 ही तो दिन हैं, या तुम्हें चिंता लगी रहती है अपने घर बार की, सब ठीक ठाक तो होगा, व्यवस्थित तो होगा, बच्चे आए ही क्यों हो, किसने बुलाया, ऐसी दुविधा वाली यात्रा क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इससे क्या प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं बच्चे। जब भगवान को पाना है तो जो लुटना है लुटने दो, जो मिटना है मिटने दो, जो समाप्त होना है होने दो, उसकी क्या परवाह करनी। जिन बच्चों को संसार के किसी भी बात की परवाह है या चिंता है, पहले वो अपना संसार करें, फिर बचा समय तो इस राह पर चले, संसार में ही रहे। संसार की चिंता है ना बच्चों, किसने कहा इस राह पर चलो। मैंने तो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कहा, करता तो कभी नहीं मैं जोर जबरदस्ती। इसलिए बच्चों देखो, विचार करो अपने से, तुम कहाँ हो, संसार साकार अव्यक्त साइलेंस या उससे परे, तुम कहाँ हो, विचार करो। समझ की बात है बच्चों सारे, इसलिए ड्रामा भी बड़ा वंडरफुल है। संसार दिन में चलता है, दिन की शुरुआत संसार से होती है, तुम्हारे शुरुआत के बाद 9-10 बजे मुरली चलती है साकार, शाम को अव्यक्त समय है, क्योंकि संसार समाप्ति में जाता है। शाम होते ही सब अपने नौकरी धंधे से लौट जाते हैं शांति में बाहर। रात को है साइलेंस, 2 बजे से 4 बजे तक, और 4 बजे के बाद है साइलेंस से परे अवस्था। वापिस सुबह 7 बजे संसार, यह है चक्र। इस चक्र में सभी अटके हैं, तुम कहाँ हो, विचार करो अपने से। बाप की सकाश तो सभी को चाहिए, पर बच्चे सोल कॉन्शियसनेस में हो, मैं सकाश तो बिंदी को देता हूँ, सितारे को देता हूँ, बाकी नाम रूप को सकाश क्या दूँ, नाम रूप
समझ की बात है बच्चों, सयाना वही है जो संसार से निकला है, बाकी सभी पागल हैं। संसार भी तो एक बहुत बड़ा पागल खाना है, जहां सोच समझ कर हर एक्टिविटी घटित होती है। जैसे दुनियावी पागल खाने में सोच से परे एक्टिविटी होती है, कोई सोचता नहीं, उनके मन में जो आता है करते रहते हैं। संसार में सोच समझ कर एक्टिविटी करते हैं, पागल खाना है। पागल खाने में रहकर बच्चे तुम साकार ज्ञान क्या समझोगे, नहीं समझ सकते। कौन से पागल ने, वो दुनियावी पागल खाने के पागल ने डॉक्टर की बात मानी बताओ जरा, एक भी नहीं मिलेगा। सारे पागल अपनी जिद करते हैं पागल खाने में, वही तुम्हारी बात है। संसार को लेकर मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, उसी पागल खाने में हो तुम। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, धंधा, बैंक बैलेंस, पागल खाना। जब तक पागल खाने से बाहर नहीं निकले हो, साकार वाणी क्या समझोगे? बच्चों, साकार वाणी प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए पढ़ाई है, ध्यान में रखना बच्चों। अव्यक्त वाणी सेकेंडरी वालों के लिए है। अव्यक्त वाणी, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई, साइलेंस की पढ़ाई, और साइलेंस से परे मास्टर और डॉक्टरेट है। तुम कहाँ हो? और जो संसार में है वो तो अभी स्कूल में आया ही नहीं, प्राइमरी स्कूल में भी नहीं आया, क्योंकि संसार में है। संसार वाले को क्या समझेगा? कुछ भी तो नहीं। इसलिए बच्चे, शिव की वाणी समझने के लिए संसार से परे जाना पड़ता है। शिव को समझना सबके बस की बात नहीं बच्चों, समझ सकते हो, पर इतनी सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ेंगी। पहले संसार छोड़ना है, फिर साकार में ज्ञान उठा के वो भी छोड़ना है, फिर अव्यक्त में ज्ञान उठा के वो भी छोड़ना है, फिर साइलेंस में जाना है, फिर साइलेंस का भी त्याग करना है। साइलेंस से परे शिव बैठा है, ध्यान में रखना बच्चे, साइलेंस से परे हूं मैं, कोई आवाज नहीं। क्या कहते परमधाम को? डेड साइलेंस, ना, जहां साइलेंस भी मरा हुआ है वो है डेड साइलेंस, ध्यान में रखना बच्चे, वरना साइलेंस भी जिंदा नहीं है। वहां मैं रहता हूं, तुम कहां हो? लाइव संसार में, डेड साइलेंस में जाना है और तुम हो लाइव संसार में। कैसे होगा सब कुछ?
पॉसिबल नहीं बच्चों। बाप कभी भी उस अवस्था में बैठ सकता है, फिर बच्चे कंठ की साकार आवाज नहीं निकलते, इसलिए मुझे अव्यक्त में बात करना पड़ता है, वो भी बात करने का मन नहीं होता। पर तुम उस अवस्था में नहीं हो, तुम शब्दों की अवस्था में हो, इसलिए मुझे शब्दों में आना पड़ता है। बाप ने अभी बस एक झलक दिखाई, आवाज नहीं निकलती, मेरा भी कंठ बंद हो जाता है अगर मैं साइलेंस से परे बैठूं तो। पर तुम समझ नहीं पाओ, उसी में मैं सब कुछ भरता हूं, साइलेंस से परे। शब्द बच्चे इस दुनिया के हैं, भाषा भी इस दुनिया की है, अर्थ भी इसी दुनिया का है। जो तुम्हारी बुद्धि में है वो तुम लगाओगे, सब इस दुनिया का है। मैं इस दुनिया का नहीं हूं, न तुम इस दुनिया के हो, हम सब परे हैं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, इसलिए शब्दों से भी ऊपर उठो, शब्दों से भी, तब बच्चे ज्ञान समझ पाओगे और ध्यान लगेगा। तुम संसार में खोए हुए हो, उलझे हुए हो, पता नहीं तुम कहां से इस राह पर आए, या किसी ने तुम्हें भटकाया है इस राह पर लाने के लिए। भटकना ही हुआ बच्चे, तुम्हें जाना है संसार में, आए हो साइलेंस से पार में, भटके हुए हो, गलत राह पर आए हो। संसार से अभी भी तुमने संतुष्टि प्राप्त नहीं किया, समाधान प्राप्त नहीं किया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात। बच्चे सिर्फ समर्पित से बात नहीं बनेंगे। बहुत बच्चों को लगता है समर्पित हो गए, बात हो गई। बच्चे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। जब तक तुम्हें तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे याद हैं, तुम संसार में हो। ध्यान में रखना बच्चे संसार में। हाँ, समर्पण का एक फायदा है, यह वो साकार रूप में है नहीं, तो जल्दी विस्मृति होती जाएगी। बच्चे जिस दिन तुम्हें सबकी विस्मृति हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। पहले विस्मृति सबकी हुई है, सबकी विस्मृति, किसी की भी स्मृति बुद्धि में ना रहे, वही संसार की माया है। समझ है बच्चों, तुम्हें विस्मृति में जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाप की पूरी यात्रा में कभी ब्रह्मा बाप ने किसी को कहा मेरे पिता का नाम ये, माता का नाम वो, पति पत्नी बच्चे, कभी दिखाया याद से कि मेरे कोई माता पिता है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे है? कभी नहीं दिखाया, बस अपने में स्थित हुए। तुम्हारी बुद्धि में मायावी कचरा है। जब तक बच्चे वो निकलता नहीं, यात्रा
स्टार्ट नहीं हुई है, ध्यान में रखना बच्चे। कुछ भी करके कचरा निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी करके। समझ की बात है बच्चे? समझदार बनो बच्चों। पता है पार्वती जी कभी शिव के नहीं बन पाए, क्योंकि उन्हें अपने मात पिता याद थे। ध्यान में रखना, श्री नंदी जी ही बने, उनको अपने मात पिता याद नहीं थे। शिव जी के साथ रहकर भी पार्वती जी उनके नहीं बन पाए। जा मां, समर्पण पूरा लगता है। समझ की बात है बच्चे? वही पार्वती जी संसार में थे अपने माता पिता के साथ, तब एक साधारण थे। संसार त्यागा, महल त्यागे और शिव जी के पास आए, असाधारण बने पर अलौकिक नहीं बने। पारलौकिक तो बात छोड़ दो, तुम देखो अपने आप को। यह साथ तो चलोगे पर विस्मृति के लिए तैयार हो, पूर्ण रूप से विस्मृति, तभी बच्चे उद्धार होगा। समझ की बात है बच्चे? ब्रह्मा बाप ने कभी सोचा थोड़े रिश्ते संभालते संभालते इस राह पर चलते हैं, ऐसे कैसे एक साथ समाप्त कर देंगे? उनको दुख होगा, उनको क्या लगेगा? तुम्हें उनकी चिंता है, पर तुम्हारे पिता को क्या लगेगा उसकी कभी चिंता नहीं की। समझ है बच्चे? तुम्हारी पारलौकिक माता को क्या लगेगा कभी चिंता नहीं की। भ्रम के रिश्तों की चिंता है और सत्य की विस्मृति है। समझ की बात है बच्चे? कहाँ की माता बच्चे? आत्मा की माता तो एक ही है, परमात्मा। कहाँ का पिता? आत्मा का पिता तो एक ही है, परमपिता। बच्चे चिंतन करो, विचार करो अपने से। इसलिए जब तक संसार से नहीं निकले हो, साकार वाणी समझ में नहीं आएगी। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। ज्ञान तो समझना चाहते, ऊपर तो उठना चाहते, पर बच्चे त्याग का क्या? बिना त्याग के तपस्या नहीं होती बच्चे। पहले त्याग फिर तपस्या, पहले त्याग। कल भी कहा शून्य, कंप्लीट शून्य। परवाह थी जिसे पाने की, मिल गया, बात समाप्त हो गई। अभी क्या पाना है, किसे पाना है, कहाँ रहना है, जा वो वहां हम, फिर मिट्टी में सुलाए या खटिया दे, आसमान के नीचे सुलाए
या कमरा दे, जिसे पाना था पा लिया। पर बच्चे, तुम्हें तुम्हारा सब त्यागना पड़ेगा, ध्यान में रखना सब कुछ। बच्चों, ऐसे नहीं होता कि सब होते हुए, पार्वती जी भी सब त्याग कर आए, पर माता पिता बुद्धि में रखें। बात समाप्त। आगे बात ही नहीं कर सकते, बुद्धि अटकी। बच्चे, अपने को देखो, इतना बने हो पक्का? इसलिए शिवजी के साथ सबसे बड़ा नाम किसका आता है? श्री नंदी जी का। और दूसरा गणों का। गण कौन? जो विस्मृति में, जिन्हें कोई स्मृति नहीं शिव जी के अलावा, वही गण है। उन्हें कोई स्मृति नहीं, ध्यान में रखना बच्चे। कभी सुना है किन्हीं गणों के कोई माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, सुना है क्या? कभी नहीं। मनुष्य और देवता उस बारात में नहीं होते, क्योंकि पात्रता नहीं है दोनों की भी। न फरिश्ते होते उस बारात में, ध्यान में रखना बच्चे। तुम कौन हो चेक करो। पूर्ण रूप से विस्मृति हो चुकी है हर बात की? तुम्हारे मायावी संस्कार तब तक जागृत रहेंगे बच्चे, जब तक तुम्हें स्मृति है तुम किसके बच्चे हो। लौकिक में तुम्हारे माता पिता कौन, पति पत्नी कौन, बच्चे कौन, तुम्हारा गांव कौन सा, शहर कौन सा, घर कौन सा, यह जब तक स्मृति में है तब तक सारे मायावी संस्कार जागृत रहेंगे। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे। मेरा काम है ज्ञान देना। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। कोई विदेश चला जाता है और उसका संकल्प नहीं कट कर रहा है, पासपोर्ट खो जाता है, भले चोरी छिपे ही सही, पर अपने आप कैसे सूक्ष्म रूप में उस देश का सिटीजन बन जाता है? ऑप्शन नहीं है। इस देश से अपने देश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं है, अपने आप सिटीजन बनता है, वहां के तौर तरीके अपनाता है, चाल चलन अपनाता है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जब तक विस्मृति नहीं होती, तुम्हारा संसार का जो याद का पासपोर्ट है, ये माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये घर, ये एड्रेस, ये खो नहीं जाता, तब तक बच्चे तुम इन दिव्य संस्कारों में नहीं आओगे, दिव्य स्मृति में नहीं आओगे। समझ की बात है। सारे जैसे किसी कंट्री में जाते हैं जॉब के लिए, बॉन्ड साइन कराते हैं और उतने समय के लिए
पासपोर्ट जमा कराते हैं, आप कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। वही तो बात है बच्चे, वहां तुम राजी हो, यहां क्यों नहीं, यहां क्या आपत्ति है? समझ के बात है बच्चे, विचार करो अपने से पूरा पूरा, कब मुक्त हो जाओगे। महाशिवरात्रि का अर्थ है संसार से मुक्त होकर शिव का बन जाना सदा के लिए, यह है महाशिवरात्रि, सदा के लिए उसका बन जाना, देरी नहीं करना। संसार के बहुत बने, अभी उसके बनना। डर तो लगेगा, ये डर माया है तुम्हारे अंदर का भी और लौकिक परिवार के अंदर का भी, पर बच्चे इस डर से परे जाना है। वो डराएंगे, तुम नहीं चल पाए तो, नहीं बन पाए तो, वो जाने, जो करना है उसकी मर्जी। समझ की बात है बच्चे, इसलिए सच्ची महाशिवरात्रि मनाना चाहते हो तो एक ही बात है, उसका बन जाना, बाकी कोई महाशिवरात्रि नहीं है, बाकी भक्ति है, मेला है, दिखावा है, उसका नहीं बनना है, उसको बहुत कुछ दिखाना है। क्या महाशिवरात्रि बच्चे, बेलपत्र क्या चढ़ाना, अपने आप को चढ़ाओ। दूध क्या चढ़ाना, अपने आप को चढ़ाओ। फूल क्या चढ़ाने, अपने आप को चढ़ाओ। नारियल क्या चढ़ाना, जल क्या चढ़ाना, अपने आप को चढ़ाओ। हल्दी कुमकुम क्या चढ़ाना, अपने आप को चढ़ाओ। ये सब मुझे नहीं चाहिए, चढ़ाना है तो स्वयं को चढ़ाओ। मैंने जो बनाया है मुझे क्यों दे रहे हो, सब मैंने ही रचा है, और तुम मेरा मुझे देकर मुझे खुश करना चाहते हो। वाह क्या बात है भाई, और ऊपर से संकल्प रखते हो परिवार सुखी हो जाए, नौकरी धंधा ठीक हो जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे वो चढ़ाओ जो तुम्हारे पास है, जो तुमने पकड़ के रखा है वो तुम, बाकी क्या चढ़ाओगे मुझे। समझ है बच्चे, अज्ञानी वो जो बाहरी वस्तुएं चढ़ाता है, ज्ञानी वो जो अपने आप को चढ़ाता है, अपने आप का भोग लगाता है। बाकी तू क्या भोग लगाएगा बच्चे, मैंने ही सारी सृष्टि बनाई है, नारियल क्या चढ़ाएगा भाई, मैंने ही बनाया है। भल तूने खरीदा होगा 10-15 रुपए का, पर बनाया तो मैंने, इसलिए विचार करो तो क्या चढ़ाता है, क्या धराता है, विचार करो। यह एक ही समय होता है संगम का, जहां तुम अपने आप को चढ़ा सकते हो,
और फिर बाप अपने आप को चढ़ाता है। 83 जन्म, तुम बाप पर बलियार, बाप तुम पर बलिहार। पर बच्चे ध्यान में रखना, जितनी देरी तुम करोगे उतनी देरी मैं भी करूंगा भक्ति में। जब मैंने कहा तुमने नहीं किया, एक सेकंड की देरी की, एक सेकंड के बाद किया, तुम 1 साल चिल्लाओगे। 1 सेकंड का रिटर्न 1 साल के बराबर है। तुम 1 साल भक्ति करोगे, चिल्लाओगे, तब मैं आऊंगा मदद के लिए। 2 सेकंड देरी की, 2 साल। 10 सेकंड देरी की, 10 साल। मर्जी तुम्हारी, तुम्हें जो अच्छा लगे। तुमने अपने आप को चढ़ाया है संसार में, माता पिता पति पत्नी बच्चों में, अज्ञानी हो। चढ़ाने में देरी नहीं की जाती, तुरंत दान महापुण्य सोचा नहीं जाता। किस बात के लिए सोचना, तुम संसार में बैठे हो, सबके ऊपर अपने को चढ़ा के उनकी सेवा कर रहे हो, करते रहो, मौज मनाओ। हिम्मत है किसी में दादी जानकी की तरह छोटे बच्चे को त्याग कराने की, अपने आप को चढ़ाने की हिम्मत है? समझ है बच्चे? और बच्चों ध्यान में रखना, बाप उन्हीं बच्चों को पसंद करता है जो बाप के बनते हैं, बाकियों को नहीं। भल तुम्हारा भाग्य होगा आए होगे सभा में, पर असलियत में पूछो ना, तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता उन्हें जो मेरे बनने के लिए राजी नहीं है। मेरा पार्ट है इसलिए मैं दृष्टि दे रहा हूं, वरना मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुम शुद्ध रहो क्योंकि संसार के हो, शुद्ध रहो बच्चों। जिनके बुद्धि में देह और देह के संसार की स्मृतियां हैं उनसे बात करना भी मुझे पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। क्यों बात करूं, अपनी स्मृतियों में बैठे हैं, मायावी असुर है, एक सूक्ष्म रूप में असुर है स्मृतियों के रूप में, और दूसरा संसार में बैठा हुआ स्थूल रूप में असुर है। तुम कौन हो, चेक करो। समझ की बात है बच्चे, चिंतन करना। बाप का बनना मना पूर्ण रूप से विस्मृति, पूर्ण रूप से, इसलिए यहां ज्यादा नहीं आ सकते। कभी सुना है कैलाश में 50 की भीड़ लगी थी? कौन से शास्त्र में लिखा है जरा बताओ? 10 भी नहीं दिखा पाते कैलाश में। कैलाश है वह, सभी नहीं आ सकते, पात्रता भी नहीं, देवता भी नहीं आ पाते। समस्या होती है तभी आते हैं, मिलन के लिए कोई नहीं आता। असुर भी नहीं आ पाते, मनुष्य तो छोड़ ही दो बच्चे, बस गण बैठते हैं कैलाश में, इसलिए यहां ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे तुरंत पार्ट नहीं। मैं जब विराट में प्रत्यक्ष हो जाऊंगा सब आ जाएंगे, पर वो समय समाप्त हो चुका होगा। विराट सबका है, शिव बाप सबका नहीं है। समझ के बात बच्चों ध्यान में रखना,
महाशिवरात्रि के दिन बताता हूँ, जब ब्रह्मा बाप के बुद्धि से सारे देह के संबंधियों की विस्मृति हो गई, तब मैंने ब्रह्मा बाप को स्वीकार किया। भल 36 से कार्य चल रहा था, पर मैंने तुरंत स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा बाप को भी मम्मा के बुद्धि से सब सारी विस्मृतियां हो गई, तब मैंने मम्मा से सेवा स्टार्ट की। ऐसे ही लगते हैं मुझे, शूद्रों को मैं स्वीकार नहीं करता, मेरे ही चाहिए कंप्लीट विस्मृति संसार की, कंप्लीट बने हो ऐसे विचार करो। ऐसे बच्चों को ही बाप स्वीकार करता है। मैं तो नहीं कहता जबरदस्ती करो ये सब, पर मेरे अपने कायदे हैं, मेरे अपने नियम हैं, मेरे अपने प्रिंसिपल हैं, उन्हीं से मैं चलता हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स योर चॉइस, वो तेरी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि तू चली, क्यों चल ना चल, मैंने कब कहा चल, मत चल। कभी सुना है मैंने ब्रह्मा जी को कहा चल, श्री विष्णु जी को कहा चल, श्री शंकर जी को कहा चल, श्री इंद्र जी को कहा, देवताओं को कहा चल, सुना है? नहीं। ऋषि मुनियों को कहा, सप्त ऋषियों को कहा चल, नहीं, मत चलो। मैं कभी किसी को कहता नहीं, मैं बस मेरे सूत्र बताता हूँ, बाकी तेरी मर्जी अपनी, तुझे जो अच्छा लगे। मैं सूत्र बताता, समझ के बात, इसलिए मेरे साथ सभी नहीं चल पाए, बहुत थोड़ों का पार्ट, बहुत थोड़ों का, कोटों में कोई और कोई में को और कोई में भी कोई बाप को पहचानेंगे, सभी नहीं, सभी का पार्ट नहीं, समझ की बात। ज्ञानी योगी भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। बच्चे ध्यान में रखना, मेरी पहचान मैं ही देता हूं, ध्यान में रखना इस बात को। अच्छे देखो अपने को, तुम्हारा भाग्य है क्या बाप का बनने का, चेक करो। तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है क्या कि तुम कभी परमात्मा के बनोगे, तुम ही देखो, तुम ही चेक करो। बस बच्चे बोलने से कुछ नहीं होता, करना होता है, इसलिए तुम कर सकते हो, बन सकते हो क्या देखो। और अगर हाँ है तो कब ये भी देखूं, कैसे ये भी देखूं, कहाँ पर ये भी देखूं, ये भी देखूं। और अगर ना है तो बात छोड़ दो। आज महाशिवरात्रि है, सभी मंदिर में जाते हैं, दर्शन करके आते हैं। मुश्किल कोई मिलेगा जो मंदिर में ही बैठता है,
24 घंटे के लिए। कभी बैठे हो सुबह से लेकर अगली सुबह तक उसी मंदिर में, दर्शन करके क्या आना, भक्ति में एटलीस्ट एक दिन के लिए तो उसके बने। उसी मंदिर में, भले मंदिर में गर्भगृह में नहीं पर कैंपस में वही रहेंगे, भले ठंड लगे या गर्मी हो वही सोएंगे, जहां जगह मिले। है कोई ऐसा दिन आज तक की यात्रा का? कोई नहीं। चलो 24 घंटे नहीं, सुबह से लेकर सूर्यास्त तक। है कोई ऐसा दिन? है कोई ऐसी महाशिवरात्रि कि तुम वहां ही बैठे? एक भी नहीं। चलो 12 घंटा नहीं, 8 घंटा, 4 घंटा। है कोई ऐसा समय? 3 घंटा, 1 प्रहर, 3 घंटे दर्शन लेने के बाद से लेकर 3 घंटे हम मंदिर में रहेंगे। लाइन में खड़े हो 3 घंटे ये बात मत बोलो, दर्शन लेने के बाद से 3 घंटे। है कोई ऐसी महाशिवरात्रि? एक भी नहीं है। और तुम शिव के बनना चाहते हो, समझ के बात बच्चे विचार करो। भाग्य है क्या देखो तुम्हारा बाप का बनने का? बच्चे बहुत कम का भाग्य है, बहुत कम का। मैंने कहा ना उस दिन, मैं जो जैसा सारी सृष्टि में बस 5 बच्चे मुझे समझ पाएंगे, टोटली 5। मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रूप से सिर्फ 5 बच्चे समझ पाएंगे। तुम देखो अपने को, तुम उसमें आ सकते हो क्या? अष्टरतन तो अलग है बच्चे, सप्तऋषि तो मास्टर रचयिता है, पर ये 5 अलग है, 5 अलग है बच्चे। इसी का गायन शंकर जी के रूप में पंचानन का हुआ है, ध्यान में रखना। 5 मुख, वही बाप के 5 बच्चे हैं जो बाप को पूरा समझ पाएंगे, जैसे कि वो स्वरूप ही बन जाएंगे 5। और पंचानन का गायन हो जाएगा 5 मुख वाले, समझ है बच्चे? देखो अपने को, तुम्हारा भाग्य है क्या बाप का बनने का? तुम्हारे भाल में लिखा हुआ है क्या कि तुम बनोगे? तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है क्या कि तुम परमात्मा के बनोगे? लौकिक में भी कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हो, हाथ दिखाते हो, पूछना भाग्य लिखा है क्या कि हम कभी परमात्मा के बनेंगे? जन्म पत्री दिखाते हो, पूछना, समझ की बात है बच्चों? यही सबसे बड़ा भाग्य है, परमात्मा का बनना, बाकी सब दुर्भाग्य है। ध्यान में रखना बच्चे सब कुछ दुर्भाग्य। तुम क्या लेकर चल रहे हो? दुर्भाग्य। मैंने कहा ना, भाग्य तो मेरे साथ चलता है, मैं जहां बैठा हूं वहां भाग्य है।
तुम कहाँ हो, विचार करना बच्चे अपने से। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ, प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करूं। आज किस किस ने उठते ही बाप से रो रिहान की जरा हाथ उठा। बहुत अच्छा, मैंने क्या था, बहुत सारे, एक मिनट एटलीस्ट। इसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। किस किस ने रात को सोने से पहले रो रियान जरा हाथ उठा, सोने से पहले। बहुत अच्छा। अच्छे, तुम्हारे पास कोई और है नहीं ना, लौकिक में चलते, कहीं दूर जाते हो, अभी फोन जमा किए इसलिए, वरना एक 5 मिनट तो कॉल करते अपने घर में। कभी परमात्मा को, निराकार को कॉल करने का मन नहीं होता, उससे कुछ बात करें बुद्धि से, उसको मैसेज करने का कोई मन नहीं होता तुम्हारा, उसको कोई मैसेज करें, विचार करो। तुम्हारे पास सबके लिए समय है, और जो तुम्हारा है उसके लिए समय ही नहीं है। तुम सबकी चिंता करते हो, कभी परमात्मा की चिंता नहीं की। परमात्मा की चिंता किस रूप में, उसके कार्य के रूप में। माता पिता की चिंता करते हो ना, पता नहीं माता पिता का कैसे होगा, क्या होगा, उनको दवाइयाँ देनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, सुखी रहें। अपने माता पिता की चिंता नहीं की कि उसका यज्ञ कैसे आगे बढ़ेगा, विश्व कल्याण का कार्य कैसे पूरा होगा, कभी चिंता नहीं लगी। अपने पति पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में चिंता करते हो, कभी उसके यज्ञ के बारे में चिंता नहीं की। समझ है बच्चे, बच्चे तुम पूर्ण रूप से संसारी हो, पूर्ण रूप से ध्यान से चेक, कुछ नहीं है ना तो तुम्हें तुम्हारी चिंता है, मेरी स्थिति कैसे ऊंची बनेगी, मैं सतयुग में ऊंच पद कैसे पाऊंगा, मैं आत्मिक स्थिति में कैसे आ जाऊंगा। तुम्हें बस बच्चे स्वार्थ की ही पड़ी है, निस्वार्थ भाव तुम्हारे पास कब था, आज तक की जीवन यात्रा में ये मुरली मैं जो पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूँ, वो विश्व कल्याण के लिए उसकी शक्ति लग जाए, ऐसे एक मुरली किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठा। बहुत अच्छा, ऐसे विश्व कल्याण के लिए मैं आत्मिक स्थिति में हूँ और बाप को याद कर रही हूँ, ऐसा कोई है उसने जो योग किया वो हाथ उठा। बहुत अच्छा बच्चे, चेक करो तुम किसके लिए जीते हो, किसके लिए। अब तक आपने बहुत रो रिहान की, सुबह उठते रात को सोने से पहले, सिर्फ विश्व कल्याण की रो रिहान जिसने की हो एक दिन के लिए, सुबह उठते और रात को सोने से पहले, वो जरा हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सिर्फ विश्व कल्याण की रूहान, समझ की बात है बच्चे,
चेक करो अपने आप को। बच्चे बहुत टॉपिक्स हैं, बहुत गहरी यात्रा है, तुम जो समझते हो वो नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है बाहरी। तुम्हें किसने समझाया है मैं नहीं जानता, समझ की बातें सारी। यात्रा लंबी है और गहरी भी है, इसीलिए बच्चों संसार से मुक्ति लेकर बैठना पड़ेगा शिव मंदिर में। जब बच्चे पता चला शिव जी स्वयं बैठे तो घर कैसे जा सकते हैं मंदिर से। शिवलिंग के अंदर अगर चैतन्य ज्योति आ जाए कोई जाएगा घर नहीं। तो यहां बच्चे तुम बैठे हो, मैं चैतन्य बैठा हूं, तो तुम कैसे जा रहे हो? क्या इतनी हिम्मत नहीं है घर गृहस्थ में परिवार में बताने की कि स्वयं शिव जी बैठे हैं, स्वयं परमात्मा बैठा है, भगवान बैठा है, तो क्यों ना जाए हम? जब वो जाएगा हम जरूर वापस आएंगे संसार में, पर अगर वो स्वयं बैठा है कैसे उठे? बच्चे बताओ जरा, बहुत दूर दराज से तुम्हारे माता पिता लौकिक लंबे समय के बाद आए, उठोगे वहां से उनके पास से? कितनी भी नौकरी धंधे की बातें हो, बहुत लंबे समय के बाद माता पिता मिले दूर से आए, नहीं उठोगे नहीं जाओगे? तो तुम्हें ये माता पिता समझ में नहीं आता जो दूर से आया है 5000 साल के बाद आया है, तो तुम कैसे जा सकते हो? इसका अर्थ क्या है? तुम्हें माता पिता समझे ही नहीं है। अगर तुम अपने माता पिता के पास से उठ के कहीं और चले गए काम धंधे में, लौकिक माता पिता की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ है तुम्हें माता पिता समझे नहीं, उसी प्रकार ये माता पिता समझे नहीं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना अपने भाग्य पर। प्रश्न है, बाप को सब बच्चे नंबर वार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। बाप किसे याद करता है? उत्तर है, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं। यह सर्विस का अर्थ है विश्व कल्याण, उन्हीं को मैं याद करता हूं। जो स्व कल्याणकारी हैं उन्हें मैं ज्ञान देता हूं, योग सिखाता हूं, याद नहीं करता। स्व कल्याणकारी। और जो संसारी है, भ्रष्ट बुद्धि, मेरे यज्ञ में आके भी कहेंगे ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, भ्रष्ट बुद्धि है ये, कंप्लीट भ्रष्ट बुद्धि। कहां से आए पता नहीं है, कैसे आए पता नहीं, इन्हें बच्चों अलाउ नहीं करना चाहिए बिल्कुल, ध्यान में रखना बच्चे। आगे से ऐसे बच्चे मिले जो यज्ञ में आकर किसी स्थूल वस्तु पदार्थ को देखकर प्रभावित हो जाए, अन्न भोजन बाप के घर का खाकर बड़े स्वाद में आ जाए, बैन कर दो। ये असुरों के असुर है, भ्रष्ट बुद्धि है। मेडिटेशन चेयर पे बैठेंगे कहेंगे वाह बहुत बढ़िया है, सोफा बढ़िया है,
स्टेज बढ़ी है, भ्रष्ट बुद्धि है, बैन कर दो। क्योंकि बच्चे ऐसे बच्चों से यहाँ ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे और जो कोई कमज़ोर बच्चा होगा वो जल्दी प्रभावित हो जाएगा, बेचारा कहीं उठने की चेष्टा कर रहा है गिर जाएगा, इसलिए ऐसे बच्चों को बैन कर दो। यज्ञ में आकर, भट्टी में आकर जिन्हें सिर्फ स्वकल्याण दिखता है उन्हीं को अलाव करो, समर्पित होकर जिन्हें सिर्फ विश्व कल्याण दिखता है उन्हीं को अलाव करो, बाकियों को नहीं करो। बाकी संसार ही है, भ्रष्ट बुद्धि, इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कुछ भी। समझ की बातें हैं बच्चों। जो बच्चे बहुत मीठे हैं जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को याद करते, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते, ऐसे बच्चे बाप को पसंद है। बाप पूछना चाहेगा हर एक बच्चे को, अब तक की यात्रा में प्रेम से, खुशी से और आंसू बहा के किसने अंदाजा से कितनी बार बाप को याद किया है, वरना ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में कितनी बार घटित हुई है, याद आए तो बताओ आपके जीवन में कितनी बार आंसू आए, एक बार आपके जीवन में, आपके जीवन में प्रेम भी, खुशी भी, आंसू भी, आपके बहुत बार आए आपके जीवन, आपके जीवन। कोई बात नहीं, जो भी हो, नहीं हो तो भी चिंता नहीं करना बच्चे, आपके जीवन आपके। निराकार किया खास आपके जीवन, बहुत अच्छा आपके जीवन, कई बार आपके जीवन, आपके आपके जीवन, आपके जीवन आपके जीवन आपके जीवन बाकी बच्चे भी देखें जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। बच्चों देखो, रोज बाप को याद करते हैं, याद करने में किसी न किसी रूप से हम याद करते हैं, तो याद करने में कम नहीं पड़ रहे, पर फिर प्रेम, खुशी और प्रेम के आंसू में रोज क्यों कम पड़ रहे हैं, रोज क्यों नहीं? बाप पूछेगा क्यों नहीं। देखो बच्चों, चिंतन करो, समझ है बच्चे। और एक सवाल,
निराकार की याद में जब आप बैठे हो, इस प्रेम से खुशी में आकर, खुशी से प्रेम के आंसू बहाकर, करने की आवश्यकता नहीं, पर बाबा पूछ रहा है, प्रेम से खुशी के आंसू बहाकर निराकार की स्मृति में कभी जोर से चिल्लाया है मेरा बाबा, दुख से, दुख से, जैसे कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, दूर चला जाता है, तो उसकी याद में हम चिल्लाते हैं, वो भाव है। देखो, चेक करो, कभी चिल्लाया हो तो वो दिल की बात है, मेरा बाबा, चेक करना। जिससे स्नेह होता है उसके लिए भाव निकल ही जाता है, निकालना नहीं पड़ता। चेक करो, याद की गहराई बहुत है बच्चों। तुम जिसे करते हो, जिसे समझते हो, वो सिर्फ याद नहीं, कभी वाणी से नहीं चिल्लाया तो मन से चिल्लाया, देखो मेरा बाबा, दुख से, दर्द से, वो रूहानी दुख है, रूहानी दर्द है, जिस्मानी नहीं है, रूह तड़प रही है, उसका वो दुख और दर्द है बच्चे, वो भाव है परमात्मा के प्रति का, वो दिल की याद है बच्चे। ऐसे बच्चों को बाप भी याद करता है, बाप की नजर फूलों तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है, यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण करती है, तो बाप उसे याद करते हैं। बच्चे देखो अपने आप को, ये तो मैंने स्व कल्याण की बात बताई, तुम्हारे और बाप के रिश्ते की, विश्व कल्याण की बात, ऐसी कोई रात है, करने की आवश्यकता नहीं, होगी भी नहीं, पर ऐसी कोई रात है जिस रात में विश्व कल्याण का कार्य नहीं हो पा रहा है, इसलिए तुम्हारी नींद उड़ गई है, ऐसी कोई रात तुम्हारे जीवन में? बच्चे दुनिया भर के बाप के बच्चे भाग्य लेने के लिए पहुंच नहीं पा रहे 33 करोड़, इसलिए तुम्हारी नींद उड़ गई है चिंता में, ऐसी कोई एक रात है जीवन में? विश्व कल्याण के कार्य को लेकर तुम कभी स्ट्रेस में गए हो, टेंशन डिप्रेशन में गए हो, तुम्हें चिंता लगी है, कभी तुम्हारा वजन घटा है, खाना आधा हुआ है? करने की आवश्यकता नहीं, पर बाप पूछ रहा है, ऐसा कोई दिन है? विश्व कल्याण को लेकर चेक करो। बच्चे बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा, बस मेरे पास पहुंचे ये नहीं समझना यात्रा पूरी हो गई, बहुत कुछ बाकी है जो तुमने कभी सुना भी नहीं। अभी भी मैं जो सुना रहा हूं वो 1% ही है, ध्यान में रखना, 1%, बहुत कुछ सुनना बाकी है, बहुत सारी स्पष्टता समझना बाकी है, बहुत सारी। इसलिए तुम्हें जो लगता है तुम आध्यात्मिक हो, वो भ्रम है तुम्हारा, संसारी तो हो ही नहीं सकता बच्चे। समर्पित बच्चों के लिए भी बाप कह रहा है, संसारी के लिए तो छोड़ ही दो, समर्पित के लिए कह रहा है कि तुम्हें जो लगता है तुम आध्यात्मिक हो वो भी तुम्हारा भ्रम है। माना मेरे बन कर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम अभी भी पूरी स्पष्टता में नहीं आ चुके हो,
संसारी तो पागल है बच्चे, उनकी बात ही नहीं कर सकते, वो तो आते जाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए आ रहे हो, समझ है? बच्चे बहुत बाकी है इस राह को, जैसे तुम सोचते हो उतनी सिंपल नहीं है, अति गहरी है। और एक बार गहराई में गए ना तुम, वो तुम ऊपर निकल नहीं पाओगे बाहर, समझ जाना, अति गहरी है। तुम अभी भी ऊपर हो, ऊपर हो बच्चे, पानी पर तुम्हारी नाव चल रही, बहुतों ने तो नाव उतारी भी नहीं अब तक समंदर में, जो समर्पित है उनकी नाव उतर गई है समंदर में, बाकी जो संसारी किनारे पर बैठे हैं, कभी आते किनारे पर बैठकर नाव देखते हैं, समंदर का थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, मझधार डूबने वाला है सब, मेरा काम है नैया को डुबाना, ध्यान में रखना। रूहानियत में नैया ऊपर से पार नहीं लगेगी, नैया जब समंदर में उतारोगे, आधा समंदर क्रॉस होने के बाद नैया डूब जाएगी, धीरे धीरे अति गहराई में जाएगी, और लास्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वहां से एक रास्ता निकलता है, यहां से नैया सेकंड में पार हो जाएगी, ऊपर से दिखेगी भी नहीं, पार होते हुए। इसलिए बच्चे पहली नैया को समंदर में उतारना ये स्टेप है। बहुत कहेंगे अरे तूफान है कहाँ उतार रहे हो, इतनी जल्दी भी क्या है नैया को उतारने की, आराम से उतारेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है समर्पित होने की। बहुत सारे कहेंगे, बहुत सारे आएंगे, तुम्हें भी लगेगा थोड़ा किनारे पर मजे करें, आराम से उतारेंगे। ध्यान में रखना बच्चे, बहुत बड़ा बच्चे बहुत बड़ा तूफान आने जा रहा है, बहुत बड़ा। फिर जो तुम्हारी नैया किनारे खड़ी है ना, वो भी संसार में उड़ जाएगी, किनारे पर भी नहीं रहोगे। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, किनारे पर भी नहीं रह पाओगे। जिसने उतार दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, पर जिसकी किनारे पर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी, तेरी मर्जी बच्चे, मैं तो बस सूत्र बता रहा हूं, बाकी तुझे जो अच्छा लगे कर। यह यात्रा अनोखी है, बहुत अलग यात्रा है बच्चे, बहुत ही अलग। बाकी भाग्य श्यामा, ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। दो नंबर, बाप जो अविनाशी रतन देते हैं वह सबको बांटने हैं, साथ साथ शिव बाबा को
अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है, इसमें मनहूस नहीं बनना है। वरदान है बिंदु और बूंद के महत्व को समझ अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की विशेषता है। दोनों का अपना महत्व है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति का यह खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है और बूंद है शुद्ध संकल्पों की स्मृति, जिससे मिलन की सिद्धि का अनुभव होता है। रूह रिहान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हों, इसी से ही श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चला आता है। स्लोगन है, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट और स्वीट बोलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना भाग्य ले सकते हो तो लो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। वाह बच्चे वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम वाह। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। मन के मिटा दे जो गम,
का सितारा खुश होते गा रहा है अब ये जहान सारा खुश होते गा